हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। मुझे पता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पर जैसे मैं आज कराऊंगा उस तरीके से अगर आप समझोगे अच्छे से तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं और हमेशा सही से करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि हम बैलेंस करते हैं क्यों केमिकल इक्वेशन को। बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि जितना मास यहाँ पर हो उतना ही मास यहाँ पर रहे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमें? ये लॉ कहता है कि जितना मास यहाँ पर है उतना ही मास यहाँ पर हो, कम ज़्यादा ना हो, इससे रिएक्शन नहीं हो पाती सही से। ठीक है, तो एफ ई यहाँ पर एक है, देखो आयरन, एफ ई मतलब आयरन, यहाँ पर एफ ई कितने हैं? दो। तो ये कितना है? ये अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, ये भी अनबैलेंस है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट में जो रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो मिलता है बाद में हमें वो प्रोडक्ट होता है। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल को पहले करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर दोबारा देखेंगे। बार बार हमें दोबारा देखना है, दोबारा चेक करना है, फिर दोबारा देखना है, फिर दोबारा देखना है, एक करने के बाद फिर दोबारा चेक करना है हमें। ये नहीं इसको कर दिया फिर इसको नहीं देखेंगे, इसको 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 देखेंगे, ऐसा नहीं। हमें बार बार देखना है उनको दोबारा से रिपीट करके कि बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? C3H8 5O2 और CO2 प्लस में H2O। इसमें हम कार्बन तीन है हमारे पास, यहाँ पर हमारा एक है, तो यहाँ पर क्या कर दो? थ्री कर दो। ठीक है, थ्री कार्बन यहाँ हो गए, थ्री कार्बन यहाँ हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 5 2 10। यहाँ पर कितने? 3 2 6 और 1 7। ठीक है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 8। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख देते हैं तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए अब? 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और 3 2 6, तो 6 और 4 10 और 5 2 10, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, इसके रिएक्शन कराएंगे तो 2 MgO हमको मिलता है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, तो यहाँ पे क्या कर दो? 2 लगा दो। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, एक नहीं है 2 है, देखो स्टार्टिंग में 2 लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है P4 फॉस्फोरस, P4 और O2, P4 यहाँ पर भी P4, ये तो बैलेंस है, पर O2 है यहाँ पर, O10 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 5 लगाना पड़ेगा, 5 O2, 5 2 10, यहाँ पर भी 10, बैलेंस हो गया। इसके बाद NaBrCl2, यहाँ पे Na को देखो, Na एक है, यहाँ भी Na एक है, ये तो ठीक बैलेंस है। इसके बाद Br को देखो, यहाँ पे Br कितने? एक है, और यहाँ पर Br कितने? 2 है। यहाँ पे Br को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से चेक करो Na कितने, अब देखो Na बदल गया ना, Na पहले यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ पर 2 Na, तो 2 Na यहाँ पे करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 Na 2 Na। अब Br भी 2 है, Br भी 2 है, क्लोरीन कितना है? 2, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, एक नहीं है, देखो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 2 क्लोरीन हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम, MgOH2, तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ये तो बैलेंस है। इसके बाद OH2 देखो, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने? 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, 2। इसके बाद हाइड्रोजन देखो, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अब 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2 है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 पहले से ही है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो? 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। ठीक है, वो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है SiO2, SI क्या हमारा? सिलिकॉन, सिलिकॉन एक है, यहाँ पर भी सिलिकॉन एक है, और यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन 4 है, यहाँ पर फ्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। इसका तो ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ हाइड्रोजन देखो, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है Na 3 है यहाँ पर, Na यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3 NaCl। ठीक है, अब P को देखो, P कितने यहाँ पर? 1, यहाँ पर भी P 1 है, ठीक बैलेंस है।
ऑक्सीजन कितने, चार ऑक्सीजन चार, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर कितने, एक, यहाँ पर क्लोरीन कितने, तीन है, देखो पहले ही तीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर तीन करने के लिए थ्री लिखना पड़ेगा। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, ठीक है। यही फॉलो करना रूल, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर मेटल देखो Fe, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर दो लगा दो। इसके बाद सल्फर को देखो, सल्फर कितने हैं, एक है यहाँ पर, यहाँ पर कितने हैं, तीन है सल्फर, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थ्री लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं, ट्वेल्व है, फोर थ्री जो ट्वेल्व, तो यहाँ पर कितने हैं, फोर थ्री जो ट्वेल्व, यहाँ पर भी ट्वेल्व है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर कितने हैं, थ्री टू जो सिक्स, तो छः हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर छः करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थ्री टू जो सिक्स। इसके बाद Fe और O2, अब यहाँ पर Fe है और यहाँ पर O, यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर Fe है, तो यहाँ पर भी टू Fe करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। तो अब क्या करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर थ्री टू जो सिक्स और यहाँ पर थ्री टू जो सिक्स, ऑक्सीजन तो हो गए, पर Fe दोबारा देखो टू टू जो फोर, फोर Fe है, तो यहाँ पर फोर कर दो, बस हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। इसके बाद कुछ और रिएक्शंस है, देखो जैसे कि टाइटेनियम एक है, यहाँ पर टाइटेनियम एक है, ये तो बैलेंस है। क्लोरीन को देखो चार है, यहाँ पर कितने क्लोरीन, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चार, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन देखो एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखो टू टू जो फोर, और फोर हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो Ag कितना है, Ag मतलब सिल्वर, यहाँ पर Ag2 है, यहाँ पर Ag1 है, तो यहाँ पर 2 AgI हो गया। इसके बाद N आयोडीन को देखो, आयोडीन कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 है ना यहाँ पर आयोडीन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2। Na भी 2 है, तो 2 Na हो गया, यहाँ पर ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर कितना है यहाँ पर, एक सल्फर, यहाँ पर एक बैलेंस है। नेक्स्ट Na3, यहाँ पर सोडियम कितने, तीन, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, एक, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, थ्री, ठीक है। इसके बाद पी, पी कितना है, एक, पी कितना है, एक बैलेंस है। ओ कितना है, चार, ओ कितना है, चार, ठीक है। क्लोरीन कितना है, यहाँ देखो एक है, यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर तीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन यहाँ पर लगा दो। इसके बाद हाइड्रोजन देखो, तीन यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन तीन है, दोबारा से बैलेंस कर लो, तीन तीन, फॉस्फोरस एक, फॉस्फोरस एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, क्लोरीन तीन, क्लोरीन तीन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस है। इसके बाद कार्बन आठ है, देख लो यहाँ पर, यहाँ पर एक है, यहाँ पर आठ लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो, आठ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने, एक है, यहाँ पर भी आठ लगा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन को गिनो, अठारह हाइड्रोजन यहाँ है, आठ दूनी सोलह, सोलह और अट्ठारह कितने हो गए, चौंतीस हो गए, चौंतीस हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर चौंतीस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेवनटीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितने बड़ी कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। इसकी फी प्लस में ओ टू इज इक्वल टू एफ ई टू ओ थ्री, तो एफ ई यहाँ पर कितना, एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टू लगा दो। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, तो ऐसा कैसा क्या करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे थ्री लगा दें और यहाँ पर टू लगा दें, तो थ्री टू जो सिक्स और टू थ्री या सिक्स, तो सिक्स हो गए। पर यहाँ एफ ई तो चेंज हो गया, दोबारा देखो टू एफ ई, टू टू जो फोर, तो यहाँ पर चेंज कर दो फोर, इसलिए कहा था मैंने पहले मैट दोबारा चेक करना चाहिए करने के बाद। एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम दो है, तो यहाँ पर क्या करो, टू लगा दो, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन देखो, ओ थ्री, थ्री है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने, दो हैं, तो ऐसा क्या करें, बराबर हो जाए, यहाँ पर टू, टू थ्री या सिक्स, और यहाँ पर थ्री, थ्री टू या सिक्स। फिर दोबारा चेक करो, यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर चार हैं, तो दोबारा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फोर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दोबारा चेक कर लेना चाहिए। फिर मैग्नीशियम यहाँ पर देखो, एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी इससे पहले क्लोरीन को देखो, क्लोरीन कितना है, दो, क्लोरीन कितना है, एक, तो यहाँ पर दो लगा दो, क्लोरीन भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए। ऑक्सीजन देखो दो, और यहाँ पर दो लगा दो। हाइड्रोजन देखो दो और दो चार,
और यहाँ पर दो दूनी चार, तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आई होप मुझे समझ में आया होगा और आपको भी समझ में आया होगा अच्छे से, और आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है।